हेलो दोस्तों, देखिए आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एंजॉय कीजिए। देखिए मॉर्निंग में स्पोर्ट्स की ताजा ताजा खबरों के साथ मैं आप सभी लोग साथ उपस्थित हूं। मैं आप सतीश मिश्रा है। जो बड़ी खबर निकल सामने आ रही है वो केएल राहुल को लेकर श्रेयस अय्यर को लेकर निकल आ रही है। वही तिलक वर्मा को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है एशिया कप और ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर। वही एनसीए में भारतीय टीम असेंबल होगी, क्यों होगी उस पर आप लोग से बात करेंगे। और लास्ट में बड़ी खबर आ रही है इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक ले काफी बड़ी खबर आ रही है, उस पर आप लोग से बात करेंगे। पहले बात करते हैं भारतीय टीम को एनसीए को लेकर। देखिए यह खबर निकल सामने आ रही है कि जैसे आपको पता है कि 17-18 अगस्त के बीच में भारतीय टीम का एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस होगा और 23 अगस्त को सारा स्क्वाड असेंबल होगा एनसीए में बेंगलुरु में। वहां पर राहुल द्रविड़ भी होंगे, कोचिंग स्टाफ भी होगा और यह प्लानिंग करेंगे कि आखिर में एशिया कप 2023 के लिए किस तरह की चीजें करनी है, किस तरह चीजें नहीं करनी है। ये तमाम बातें 23 अगस्त से स्टार्ट होगा और 5-6 दिन का कैंप होगा। वहां पे सारे प्लेयर असेंबल होंगे, वहां बातचीत होगी। दूसरी जो बड़ी खबर निकल सामने आ रही है उसका नाम बेन स्टोक्स है। देखिए बेन स्टोक्स लिए ये कहा जा रहा है कि आपको जैसे पता है कि बेन स्टोक्स ने ओडीआई वर्ल्ड कप से रिटायर ले लिया है और टी20 और टेस्ट मैच जारी रखा है। लेकिन अब जो इंग्लैंड के कप्तान है आपके जॉस बटलर, उन्होंने रिक्वेस्ट की है बेन स्टोक्स से कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपना जो रिटायरमेंट है उसे वापस ले ले और सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए हमें हेल्प करें। तो अब यह खबर निकल सामने आ रही है कि बेन स्टोक ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपना रिटायरमेंट वापस लेंगे और आईपीएल 2023 भी मिस कर सकते हैं, अपनी नी की इंजरी का वो सर्जरी कराएंगे। इस बार खबर निकल सामने आ रही है। वही जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है उसका नाम केएल राहुल और श्रेयस अय्यर है। देखिए केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का एक वीडियो वायरल हुआ, वहां पे 50 ओवर की प्रैक्टिस करने नजर आए, काफी फिट नजर आ रहे हैं, विकेट कीपिंग भी करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जो है ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड करके डाला था और ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जब वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम हारी तो वहां पे क्या है कि राहुल द्रविड़ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए तो वहां पे उन्होंने कहा कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी है जो इंजरी सुभर रहे वो एशिया कप 2023 में हमें दोबारा दिखेंगे, अभी तो रिहेब कर रहे हैं एनसीए में। तो उनका जो संकेत था यही था कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों एशिया कप स्क्वाड में वापसी करते हमें दिखेंगे। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम की मुश्किलें पड़ी है 4-5 नंबर को लेकर वो शायद हल होते नजर आएंगी। आखिर जो बड़ी खबर आ रही तिलक वर्मा को लेकर, देखिए तिलक वर्मा के लिए ये खबर निकल सामने आ रही कि एशिया कप 2023 और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए मिडिल ऑर्डर के 4 नंबर के बैट्समैन के लिए तिलक वर्मा को पिक किया जा सकता है क्योंकि तिलक वर्मा ने टी20 में जिस तरह से मैच्योरिटी दिखाई वेस्टइंडीज के खिलाफ, आराम से खेला है, सुकून से खेला है, जब उन्हें टाइम मिला चौके छक्के मारे, जब उन्हें टाइम मिला आराम से सिंगल डबल भी लिया है। तो तिलक वर्मा जो मैच्योरिटी दिखाई है उसका ये फल है और बहुत जल्दी ये जो खबर पीटीआई तरफ से खबर आ रही है कि ओडीआई वर्ल्ड कप और एशिया कप 2023 दोनों के स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है तिलक वर्मा को एज ए मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन के रूप में, खासकर 4 नंबर का जो स्लॉट है वहां पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिल सकता है तिलक वर्मा के रूप में। तो ये खबरें निकल सामने आ रही है। तो आई होप वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल को, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं इस वीडियो में। बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।